सो ये क्वेश्चन काफी सिंपल है कि एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इक्वल 90 एंड ए बी इक्वल टू ए सी, फाइंड एंगल बी एंड सी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मानो कि ये रो ट्राइंगल है, यही वो ट्राइंगल है, राइट एंगल बी। ये मानो कि ये ए है, ये बी है और ए सी है। ए जो कितना है आपका 90 है, ए जो आपका 90 है। और क्या बोला है आपने कि ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, दो साइड इक्वल है। हमको पता है कि ये आइसोस्क्लेस ट्राइंगल है। आइसोस्क्लेस ट्राइंगल क्या होता है जिसका दो साइड इक्वल होता है। अगर दो साइड इक्वल होता है तो दो कोना भी इक्वल होता है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको ये एक्स है तो ये भी आपका एक्स होगा, मान लेते हैं। ठीक है ना, आपको एंगल बी निकालने बोला है, एंगल सी निकालने बोला है। बढ़िया, सुंदर करते हैं हम सोल्यूशन। क्या पहले गिवन लिख लो, पहले गिवन क्या है आपका, ऑब्वियसली क्या गिवन है, गिवन यही है कि एंगल ए कितना है आपका 90 है और आर ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। अब वो क्या निकालना है, टू फाइन, इसका मतलब टू फाइन निकालो, क्या निकालना है, एंगल बी निकालना है एंड एंगल सी निकालना है, ये चीज़ निकालना है आपको। तो हमको पता है सॉल्यूशन अभी, तो हियर सॉल्यूशन देखो कि इन ट्राइंगल ए बी सी ना, एंगल ए बी सी हमको मालूम है कि ए बी इक्वल टू ए सी, सो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, एक्स डिग्री। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड, एंगल कि एंगल ऑपोजिट साइड्स का एंगल लॉक इक्वली होते हैं। सॉल्यूशन देयरफॉर हमने बोल सकता है कि 90 प्लस एक्स कितना होगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 90 को उधर लेके जाओ, एक्स प्लस एक्स कितना होगा आपका 2x, 180 माइनस 90 कितना होगा, एक्स इक्वल टू 90/2, 90/2 कितना होगा आपका 45। देयरफॉर एक्स इक्वल टू आपका 45 डिग्री, कितना होगा आपका एक्स, एक्स कितना होगा आपका 45 डिग्री। अगर एक्स 45 है बताओ बी कितना है, बी भी 45 है और सी भी 45 है। देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एक्स विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। सिमिलरली एंगल सी भी कितना है आपका 45 डिग्री, तो सी भी 45 हो गया, बी भी आपका 45 होगा। ये आपका आंसर था, कैसा लगा, आई होप इट्स अंडरस्टूड वेल, राइट? सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।